हरिद्वार, जहाँ श्रद्धालु कभी स्नान कभी पूजा पाठ करने आते हैं तो कभी यात्रा के लिए दूर दराज से आते हैं। जहाँ सफाई कर्मी की बात करें तो नगर निगम पूरी तरह से विफल दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं नगर निगम की सम्मति से प्लास्टिक और जोर शोर से बिक रहे हैं। एक तरफ रोज छापा मार करके दुकानों को उठाया जाता है, 10 मिनट के बाद ही वापस दुकानें सज जाती हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा। आज कई घाटों पर जाकर के हमारे चैनल, हमारी टीम ने खुद ही ये पाया कि हर जगह प्रतिबंधित प्लास्टिक मौजूद है और धड़ल्ले से बिक रही है, चाहे वो गंगा जल की कैन हो या पन्नियाँ। जहाँ देखो वहाँ कूड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम जहाँ सफाई के मामले नाकाम होता दिखाई दे रहा, वहीं प्रतिबंधित चीज़ों को बेचने से रोकने में भी नाकाम दिखाई दे रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि हरिद्वार, जो कि एक तीर्थ नगरी है जहाँ श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं, वहाँ उनको इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कब तक ऐसा करना पड़ेगा। तो घर पे अगर कोई अधिकारी आता है तो आप क्या कहते हैं? जैसे कोई अधिकारी आता है कि आपने कैसे दुकान लगा रखा है, तो कैसे आप लोग क्या जवाब देते हैं? दबाते हैं तो हटाना ही पड़ जाता सामान, हटाना पड़ता है। मतलब अवैध तरीके से ये कहा जाए, माना जाए कि अवैध तरीके से। अवैध तरीके से क्या है मैडम, रोजगार करने के लिए तो कहीं भी। अभी तो आप कह रहे थे मेरे पास आई कार्ड है, घर में रखा था ना, सबका ही है यहाँ तक, लोन भी हो रखा था 10,000 का उसमें। अच्छा, तो ये आपको किसने इशू किया है? प्रधानमंत्री सौजन्य योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री सौजन्य योजना तो घाटों पर नहीं है, ये तो पूरे पूरे भारत में चल रही है। मतलब रेडी पटरी में आता ना मैडम, ये हम क्या कर सकते हैं? जो ऊपर से आदेश आता है तो सबको हटाना पड़ता है, कोई अकेले हम थोड़ी ना। तो कहीं ना कहीं तो गलत है, कुछ तो गलत है। कहीं हमारे को विस्थापित मिल जाए तो हम वहीं चले जाए अपना, जैसे ये मिल रहे हैं पिंक जोन में जो मिले आ रही है, पुरुषों की भी आ रही है योजना, ये महिलाओं की।